कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे हो। भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो आज हमें शादी में जाना है शाम के टाइम। तो अभी सुबह का टाइम है, तो अभी मैंने नहाया नहीं है, बस नहाने ही जा रही हूँ। गर्म पानी लगा दिया तो बस मैं नहाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंडी सी लगती है। अगर धूप निकल आती तो गर्म पानी हो जाता टंकी का, और वैसे सर्दी लगती है तो गर्म पानी लगा दिया। तो बस अभी हस्बैंड न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे थे, सब ऐसे ही डला हुआ है देखिए। तो बस मैं इसको रख दूँगी या और चाय वगैरह पी ली हम लोगों ने। तो बस कप रखे हुए, एक कप रख दूँगी सब जगह ऐसे ही फैला समेट दूँगी। अभी मैं नहाऊँगी और मेरा हो रहा है गर्म पानी। देखिए यहीं पर मैंने पानी लगा दिए। तो बस अभी मैं नहाऊंगी और शाम के टाइम जाना है। तो बस हरसू आ जाएगी सर स्कूल से, वो आती 1 बजे, तो स्कूल से आ जाए तब तक मैं नहा लूँगी। स्कूल जाती है हरसू तो थोड़ा लेट हो जाता, तो लेट ही नहा पा रही हूँ मैं 1-2 दिन से, क्योंकि बस अगर जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाते। तो अभी बस मैं नहा लूँ जल्दी से, 9 बज गए हैं, फिर खाना पीना भी होना बनाना। और मैंने ना मेहंदी लगाई थी, देख सकते कलर इस तरीके से आया। मेरे हाथों पे ना ज़्यादा कलर आता ही नहीं है, देख सकते दिखाई भी नहीं, हल्का सा। तो बस मिलते हैं फिर थोड़े टाइम में। तो बस मुझे नहाना था, तो मैंने सोचा वॉश बेसिन भी साफ़ कर दूँ। डेली ही साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि गंदा किसी को भी पसंद नहीं होता, तो मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं इसको नहाने के पहले जब नहाने जाती हूँ तो डेली साफ़ करती हूँ। और मैं तो साफ़ करती हूँ ना, मेरी बच्ची जो हर्षता है ना उसको भी पसंद नहीं है। अगर एक दिन साफ़ नहीं किया, कभी कभार हो जाता तो कहती मम्मा आप इसको साफ़ नहीं किया आज आपने इसको। तो मैं वैसे पर डेली साफ़ करती हूँ, तो बस मैं यहाँ पर साफ़ कर दूँगी इसको। मैं हाफ एक से साफ़ करती हूँ, ये छोटू सा ब्रश है, मैंने इसी के लिए साफ करने के लिए लिया था वॉश बेसन को। तो बस मैं इसको साफ कर दूंगी, और कांच भी गंदा हो गया था तो मैं कांच को भी साफ कर दूंगी। तो बस मैं क्या करती, इसको ना अखबार से ही स्प्रे करके अखबार से साफ कर देती। जो क्लीनर आता है जिसे हम फ्रिज टीवी कांच साफ करते हैं, तो बस मैं उसी से साफ कर दूंगी इसको। कांच भी गंदा हो जाता तो बस मैं कांच को भी साफ कर। पहले 2-3 दिन बहुत ठंडक थी, अब 2-3 दिन से धूप निकल रही है। और आज मैंने देखिए कुछ अलग ही हेयर स्टाइल बनाया। तो बस हरसू का भी टाइम होने वाला है, थोड़ा टाइम है अभी, तो बस हरता को लेने जाएंगे। और बस अभी खाना पीना हो गया मेरा, और कपड़े वगैरह छत पे गई थी डालने, तो बस रूम में ऐसा ही फैला हुआ था, क्योंकि हरता लेट जागती है तो कम्बल वगैरह सब ऐसे ही तो मैं साफ कर दूँ। हम लोग शादी में और हर सुबह जाए ना, हर सुख बहुत खुश है, कहीं जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे ही होते हैं। तो हम लोग जाएंगे तो मिलते हैं शाम को। रेडी हो गए, शाम का टाइम है, शाम के अभी 6 बज गए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में। और हर्षता भी रेडी हो गई, तो बस मिलते हैं फिर शादी में। अभी हम लोग निकलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया आज जाने के लिए, हमें काफ़ी दूर भी जाना। तो बस हम लोग जाएंगे अभी और फिर मिलते हैं, और मिलते हैं शादी में अभी तो निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए। और हम लोग जा रहे हैं, निकल गए घर से। क्यों घर से? शादी में क्या करेंगे? खूब सारा खाना खाएंगे। खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, सबसे मिलेंगे, है ना? हाँ, मजा भी आएगा। तो मिलते हैं वहीं पे, अभी बस हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, तो फिर मिलते हैं वहीं पे, एंजॉय करेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। बाय बाय, अभी तो जाना है। बाय बाय।
तो बस अभी हम रास्ते में ही हैं और बस 20-25 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे, तो बस मिलते हैं वहीं पे। हम लोग ना रास्ते में जा रहे थे तो एक लॉज ऐसी नहीं थी जहाँ पर शादी ना हो, हर लॉज में शादी थी, एक भी लॉज खाली नहीं थी। ये 21 नवंबर की ना बहुत सारी शादियाँ थी तो हर जगह भीड़ ही भीड़, गाड़ी ही गाड़ी दिखाई दे रही। और बस हम लोग शादी में पहुँच गए। इस वाली में इसमें बैठी दीदी वाले या कुछ नहीं उधर और यहाँ पे ना व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हर जगह क्लीन था और रूम भी काफ़ी थे। और इसके अंदर ही, लॉज के अंदर ही मतलब हॉल टाइप का था, उसी में फेरे और जो जयमाला कार्यक्रम होता उसकी व्यवस्था थी। और यहाँ पे मेरी कजन भाभी और बड़ी दीदी लोग बैठी हुई थी तो बस हम भी सब लोगों से मिल रहे थे, बैठे हुए थे सब लोग और खूब सारी बातें की क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिलते हैं तो अच्छा लगता। और हमें लौट के वापस भी आना था तो सब लोग दीदी कह रही कि आप क्यों जा रही हो, अभी तो आई पूरी शादी करके जाओ। तो बस और भी जगह जाना था शादी में, इस वजह से निकलना पड़ा। तो बस इंजॉय करते हैं। बस हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे और खाना खा के थोड़ा और रुक के फिर हम लोग निकल गए थे। तो बस अभी खाना खाते हैं। थोड़ा फीलिंग आधा रख ली ते आन वे करना के तू एक एहसान वे, ए उम्मीद कदे साथ नहीं ओ छड़ेगा, जान बढ़ के तू जान नहीं ओ कटेगा। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।